नमस्कार, वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। नाम जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही सभी के लिए है। नाम हम सभी के होते हैं, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव पर उसके नाम का बहुत असर होता है, इसलिए ही नाम बहुत सोच समझ कर रखा जाता है। लेकिन आज हम किसी व्यक्ति के नाम के बारे में नहीं, बल्कि शहरों के नाम के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम किसी असुर या किसी देवी देवता के नाम से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से शहर हैं। जालंधर। जालंधर पंजाब का एक जाना माना शहर है। इसका नाम एक जालंधर नाम के असुर पर पड़ा। ये असुर भगवान शिव का ही अंश था, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं था। मुंबई। माया नगरी मुंबई, जहां लोग कई सपने लेकर आते हैं, इस शहर का नाम मुंबा देवी के नाम पर पड़ा है। मुंबा का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो महा और अंबे ही निकलता है। इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में है। इस शहर का नाम पहले के समय में इंदौर था, जिसे ब्रिटिश काल में बदल दिया गया। इसका नाम स्वर्ग के देवता राजा इंद्र के नाम पर रखा गया है। बिहार। बिहार के गया शहर के बारे में कहा जाता है कि गयासुर नाम का एक असुर था और उसी के नाम पर शहर का नाम गया पड़ा है। गयासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि इस जगह को उसके नाम से जाना जाएगा और इस स्थान पर जो भी पिंडदान या श्राद्ध करेगा उसे अपने पितरों के लिए पुनः ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। इसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। इसका नाम शेषनाग अनंत के नाम पर रखा गया है। ये वही शेषनाग है जिस पर श्रीहरि विष्णु विराजमान होते हैं। ये प्राचीन नगर होने के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ का पद्मनाभ स्वामी मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मनाली। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर मनाली का नाम भगवान ब्रह्मा के बेटे मनु के नाम पर रखा गया है। मनु को प्रथम पुरुष भी माना जाता है। उनसे ही सृष्टि पर मनुष्यों की उत्पत्ति मानी जाती है। उन्होंने मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। हरिद्वार। उत्तराखंड का हरिद्वार, जिसका अर्थ है हरि का द्वार, यानी श्री हरि विष्णु का द्वार। यहाँ पर गंगा की धारा बहती है, इसे शिवधाम भी कहा जाता है। इन शहरों के नाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। वाकई में इन शहरों के नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो भगवान और असुरों के नाम पर रखे गए हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।